किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई दिनों से इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। उधर कांग्रेस भी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सियासी जमीन तलाश रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस यूपी के अलग अलग जिलों में किसान महापंचायत कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत की कमान संभाल रखी है। किसानों से मिलने वो आज बिजनौर जाएंगी। प्रियंका चांदपुर के रामलीला ग्राउंड में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने महापंचायत के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया है। इस अभियान की शुरुआत 10 फरवरी को सहारनपुर से की गई थी। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, तो वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जमीन तलाशने में जुटी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता बीके राय। बीके, क्या कुछ अपडेट है? प्रियंका गांधी का बिजनौर दौरा है आज और किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। जी, बताना चाहूंगा आपसे कि प्रियंका गांधी का दौरा है और ये किसानों को लेकर के है। और पूरा मामला जो है दरअसल बिजनौर की तहसील का मामला, रामलीला ग्राउंड का, जो आज 12 बजे प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और उसके साथ में पहले ही शेरवाज पठान और जिला अध्यक्ष जो शेरवाज पठान है यहाँ पर और अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर ये सारी पहुंच चुके हैं। जी, क्या कार्यक्रम है? क्या सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी पहुंचेंगी? कितने दिन का कार्यक्रम इनका यूपी का है? सड़क मार्ग का तो अभी बताया नहीं है, मगर इसमें बताना चाहूंगा एसपी सिटी प्रवीण रंजन जिससे मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये भी बताया था यहाँ पर जो पूरी जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से कर ली गई है। और जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बिजनौर संवाददाता बीके राय, जिन्होंने बताया कि प्रशासन ने तैयारियां की है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। महापंचायत को सफल बनाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है, भाजपा पर हमला करने की तैयारी है।